गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। हेलो। एक्सरसाइज 10 ए कल कंप्लीट हो गया था। आज हम एक्सरसाइज 10 बी बता रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल का तो थ्योरी मिल चुका है, इसमें कोई थ्योरम है नहीं। नहीं थ्योरम है बाबू, थ्योरम बताया जा चुका वैसे इसका भी। एक्सरसाइज 10 बी है बाबू। क्वेश्चन नंबर 1। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी is a parallelogram. In which angle A equal to 72 degree. Calculate angle B, angle C and angle D. देखो बाबू कह रहा है क्या, इन एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी क्या है? पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है? पैरेललोग्राम है जिसमें एंगल ए 72 डिग्री है। एंगल ए इक्वल टू कितना है? 72 डिग्री। हमको क्या कर रहा है निकालने के लिए? एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। एंगल बी का वैल्यू क्या होगा? एंगल सी का वैल्यू क्या होगा? एंगल डी का वैल्यू क्या होगा? ये हमको कह रहा है निकालने के लिए। आते हैं सॉल्यूशन में। गिवन जो दिया पहले वो लिखते हैं। गिवन में दिया हुआ है बाबू क्या कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या हो गया? पैरेललोग्राम में ये हम जानते हैं बाबू कि ये साइड इस साइड के पैरेलल होता है और ये साइड इस साइड के पैरेलल होता है। ठीक है, तो लिख देते हैं ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इन विच, जिसमें क्या है? ए बी पैरेलल है किसके? सी डी के। एंड बी सी पैरेलल है ए डी के। हमको फाइंड और क्या दिया हुआ है?
एंगल ए इक्वल टू 72 डिग्री. हमको क्या फाइंड करना है बाबू? टू फाइंड दैट, हमको ये फाइंड करना है कि एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी का वैल्यू क्या होगा. एंगल बी इक्वल टू व्हाट, एंगल सी इक्वल टू व्हाट एंड एंगल डी इक्वल टू व्हाट. ये तीनों एंगल हमको कह रहा है फाइंड करने के लिए. आते हैं, एक बात बता बाबू. हेयर हेयर ए बी, हेयर ए बी सी एंड सी डी इज अ पैरेलल, बी सी एंड सी डी आर पैरेलल टू ईच अदर एंड ए बी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन. हेयर बी सी पैरेलल ए डी एंड ए बी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन. ए बी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन. देखो बाबू, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये इसका ट्रांसवर्सल लाइन है. तो हम जानते हैं बाबू कि जब किसी पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा. ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा. यानी एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना? 180 डिग्री बाय कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, बाय सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल. एंगल ए का वैल्यू कितना है? 72 प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना? 180. एंगल बी इक्वल टू कितना? 180 प्लस 72 इधर जाए तो -72 डिग्री. तो क्या होगा? एंगल बी इक्वल टू 180 में से 72 जाएगा, कितना बचेगा? 108 डिग्री. एंगल बी का वैल्यू कितना निकल गया बाबू? एंगल बी का वैल्यू 108 डिग्री निकल गया. और हम ये जानते हैं बाबू कि पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है. एंगल बी और एंगल डी आपस में इक्वल होगा. एंगल बी इक्वल टू एंगल डी और बी का वैल्यू तुमको मालूम है बाबू 108 डिग्री. तो डी का वैल्यू भी निकल गया 100 डिग्री. और एंगल ए इक्वल होता है एंगल सी के. एंगल ए इक्वल है किसके? एंगल सी के. और इसका वैल्यू दिया हुआ है 72 डिग्री. और ये समझ में आया कि एंगल बी का वैल्यू जितना होगा उतना एंगल डी का वैल्यू होगा. क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होता है. तो एंगल एंड पैरेललोग्राम में एंगल बी का अपोजिट एंगल डी है और ए का अपोजिट एंगल सी है. तो ये जितना होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा. ये निकालना था. इसमें किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत इजी था. क्वेश्चन नंबर 3 देखो बाबू. इन द एडजॉइनिंग फिगर m इज द मिड पॉइंट ऑफ side BC of a parallelogram ABCD. Such that angle BAM equal to angle DAM prove that AD equal to 2CD. क्या करा इन द एडजॉइनिंग फिगर? फिगर भी दिया हुआ है इसीलिए फिगर हम यहां बना लेते हैं. नाम है इसका ए बी
सी डी, ये एम है, इस तरह का फिगर दिया हुआ है फिगर में। देखो आप क्वेश्चन को देख के हिसाब से देखते हैं कि फिगर है या नहीं। इन द गिवन फिगर, दिए गए फिगर में M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, BC का मिड पॉइंट है M बाबू, यानी ये और ये आपस में बराबर है। BM इक्वल टू CM, तो लिख देते हैं गिवन में BM इक्वल टू CM। और ये हम जानते हैं ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, और ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, एंड ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है, ठीक है। एंगल BAM, BAM ये एंगल, और एंगल DAM, DAM ये एंगल, ये दोनों एंगल बराबर है, ये भी दिया हुआ है। एंगल BAM इक्वल टू एंगल DAM, ये दोनों आपस में बराबर है। हमको क्या करना है बाबू, हमको ये प्रूफ करना है कि AD इक्वल टू 2CD, AD जो होगा वो CD का, कहां है CD, CD का 2 टाइम्स होगा, AD जो होगा वो क्या होगा, CD का 2 टाइम्स होगा। ये कैसे प्रूफ करेंगे, टू प्रूफ दैट लिखते हैं, टू प्रूफ दैट हमको ये प्रूफ करना है कि AD इक्वल होगा किसके, 2CD के, AD बराबर होगा CD के, और 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे उसके बराबर होगा, कैसे निकलेगा। एक बात बताओ बाबू, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और इस पैरेलल लाइन को ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लिख देते हैं प्रूफ में, प्रूफ में हम क्या लिखते हैं, प्रूफ में लिखते हैं एंगल DAM, एंगल DAM इक्वल होगा एंगल AMB के, AMB के, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। हम जानते हैं जब किसी पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्स, जब किसी पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो अल्टरनेटिंग एंगल का पेयर क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये दोनों एंगल इक्वल हुआ किस रूल से, बाय अल्टरनेटिंग एंगल, अल्टरनेटिंग एंगल से। अब एक बात बताओ बाबू कि ये दो एंगल आपस में इक्वल हो गया, और कोई चीज इक्वल हो सकता होगा। अब एक बात बताओ बाबू, ये देखो यहां इन ट्राइंगल किस में, ए बी एम में, किस में, ए बी एम, ए बी एम क्या है, ए बी एम में ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गया, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, तो इसका अपोजिट साइड ये, इसका अपोजिट साइड इक्वल होगा। हेयर ट्राइंगल ए बी एम इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, हेयर या देयरफोर ट्राइंगल ए बी एम इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये और ये एंगल के सामने का साइड बराबर होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, बी एम जो है वो इक्वल होगा ए बी के, बी एम होगा क्या होगा, ए बी के इक्वल होगा। और एक बात बता बाबू, ए बी सी और ए डी ये दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड है। हेयर हेयर ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, ये किस बराबर है, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है। अब एक बात बताओ, एडी को एडी ही रहने देते हैं, और बीसी को लिख सकते हैं बाबू, बीसी को लिख सकते हैं 2 इंटू बी एम, ताकि ये जितना बड़ा है, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये भी है,
तो बी पूरे बीसी को दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं टू ए बी एम को, तो वो बीसी के बराबर होगा ना, तो बीसी के जगह पे लिख देते हैं टू बी एम। अरे बात बताओ बाबू, ये बी एम जो है वो बराबर है ए बी के, और ए बी जो बराबर है वो ए डी के है, तो बी एम के जगह पे टू ए डी लिख सकते हैं। देखो बाबू, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है ना, ए बी बराबर होगा सी डी के, और यहाँ बी एम जो शो हो रहा है बी एम वो ए बी के शो हो रहा है, तो ये दोनों बराबर है और ये इसके बराबर, इसका मतलब ये इसके भी बराबर होगा, इसीलिए यहाँ पे हम बी एम के जगह पे सी डी लिख देंगे, ए डी इक्वल टू टू सी डी, क्योंकि क्या है बी एम बराबर है किसके, ए बी के, और ए बी बराबर है किसके, सी डी के। ए बी और सी डी आपस में बराबर है किससे, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड, इसीलिए। और ये जो है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी दो साइड है, इसीलिए ये दोनों आपस में बराबर हुआ, इसीलिए बी एम के जगह पे सी डी लिख दिए, बी एम के जगह पे सी डी। प्रूफ हो गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत? No, sir. देखो एक बार फिर से कंक्लूड कर दे रहे, कह रहा है क्या, इन द एडजॉइनिंग फिगर, दिए गए फिगर में M is the midpoint of side BC of a parallelogram ABCD. एक parallelogram है ABCD जिसमें M जो है BC का midpoint है. M जो है वो क्या है? ये M point जो है वो BC का midpoint है. तो BM और CM बराबर होगा. तो given में लिख दिए BM equal to CM. और सवाल कह रहा है कि ABCD एक parallelogram है. तो लिख भी दिए हम यहाँ कि and ABCD is a parallelogram. और सवाल में ये भी दिया हुआ था बी ए एम और डी ए एम आपस में इक्वल है, एंगल बी ए एम और डी एम, बी ए एम ये एंगल और डी ए एम ये एंगल आपस में इक्वल है, जैसा कि शो भी हो रहा है। और अब हमको क्या प्रूफ करना था, हमको ये प्रूफ करना था ये ए डी जो है वो सी डी के टू टाइम्स के बराबर होगा, ये हमको प्रूफ करना था। तो हम क्या किए, हम ये किए बाबू कि ये जब किसी पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है बाय अल्टरनेटिंग एंगल से, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल बाय अल्टरनेटिंग एंगल से। अब एक बात बताओ, ये एंगल आपस में ऑलरेडी बराबर था और ये एंगल के बराबर हो गया, यानी दोनों एंगल आपस में बराबर हो गया, तो इसीलिए क्या हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल एबीएम इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। जब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया एबीएम, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या जानते हैं, इक्वल साइड इक्वल एंगल का अपोजिट साइड भी इक्वल होता है, तो इस एंगल का अपोजिट साइड ए बी और इस एंगल का अपोजिट साइड बी एम, ये दोनों आपस में बराबर होगा, तो हम क्या लिखे बी एम इक्वल टू ए बी। उसके बाद एक बात बता रहे हैं बाबू कि पैरेललोग्राम का हम ये भी जानते हैं, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, यानी ए डी और बी सी आपस में इक्वल होगा, यानी ए डी इक्वल टू बी सी लिखे अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। दूसरा AD को AD रहने दिए और BC को क्या लिखते हैं मालूम है बाबू, BC को हम लिखते हैं BM को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, BM को क्या किए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमको BC के बराबर हो गया 2BM। तो AD को AD लिखे, 2 को 2 लिखे। और एक बात बता बाबू, यही BM AB के भी बराबर है और यही AB CD के भी बराबर है, क्योंकि AB और CD अब क्या है पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड है, तो यानी ये इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होगा, तो इतना के जगह पे हम AD CD लिख दिए, तो ये BM के जगह पे CD लिख के ये ना लिखा हुआ या, तो AD equal to 2 CD प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू, एक क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर फिगर एबीसीडी is a parallelogram in which
एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री इफ द बाइसेक्टर ऑफ bisectors of angle A and angle B meet CD at P. Meet CD DC at P. Prove that first angle APB equal to 90 degree. दूसरा हमको ये प्रूफ करना है कि AD इक्वल होगा DP के एंड PB इक्वल टू PC इक्वल टू BC. और तीसरा हमको ये प्रूफ करना है कि DC जो होगा वो 2AD के इक्वल होगा. फिगर इस तरह का है. A B C D यही फिगर है. आगे क्वेश्चन है, कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर यानी दिए गए फिगर में ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, जैसा कि दिख भी रहा होगा कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है. ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इन विच जिसमें एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री. एंगल ए पूरा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है. If the bisector of angle A and angle B meet CD at P, angle A का bisector जो है ये line और angle B का जो bisector है ये CD पे P point पर मिल रहा है. यानी angle A और angle B का जो bisector है वो deep CD पे P point पे मिल रहा है. हमको prove करना है first में कि APB 90 degree होगा. APB ये 90 डिग्री होगा, ये हमको प्रूफ करना है. दूसरा हमको ये प्रूफ करना है बाबू क्या कि AD इक्वल होगा DP के. AD कौन है, AD और DP ये दोनों आपस में इक्वल होगा, ये प्रूफ करना है. या ये भी प्रूफ करते हैं करना है कि BP इक्वल टू BP कौन है, BP ये और PC ये और BC ये तीनों आपस में बराबर होगा, ये हमको प्रूफ करना है. और तीसरा हमको ये प्रूफ करना है कि DC जो है DC वो AD का 2 टाइम्स है, DC जो है वो AC का AD का 2 टाइम्स है. ये हमको प्रूफ करना है. पहले गिवन लिख लेते हैं. गिवन में दिया हुआ बाबू कि AP एंड AP जो है क्या है, एंगल A का बाइसेक्टर है. ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, यानी एंगल DAP इक्वल होगा एंगल BAP इक्वल टू थर्ड इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल A इक्वल टू 30 डिग्री. यानी 30 हो जाएगा, ये भी 30 ये भी 30 तब ना 60 होगा बाबू. और एक बात बताओ कि ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर है. एंगल CBP इक्वल टू एंगल ABP इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल B ये हमको दिया हुआ है, ठीक है. और हमको प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ दैट हमको ये प्रूफ करना है बाबू ये प्रूफ करना है कि एंगल ए फर्स्ट में एंगल ए पी बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा. दूसरा हमको ये प्रूफ करना है बाबू क्या कि ए डी इक्वल होगा डी पी के
और तीसरा हमको ये और एंड इसमें ये भी दिया हुआ है, ये भी प्रूफ करना है पीबी इक्वल टू पीसी इक्वल टू बीसी, ये प्रूफ करना है। और तीसरा हमको ये प्रूफ करना है बाबू कि डीसी इक्वल होगा टू एडी के, ये तीन चीज हमको प्रूफ करना है। सबसे पहले पहले वाला को प्रूफ कर लेते हैं कि ए पी बी 90 डिग्री होगा कि नहीं, ए पी बी ये 90 डिग्री हमको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे पहले ये देखते हैं, लिखते हैं क्या इन ट्रायंगल ए पी बी में, लिखेंगे प्रूफ में आ रहे हैं इन ट्रायंगल ए पी बी, ए पी बी में हम ऐसा लिख सकते हैं एंगल पी ए बी एंगल ए बी पी ए पी ए बी पी ए बी प्लस एंगल ए बी पी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री, यानी ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा। अब एक बात बताओ पी ए बी का वैल्यू कितना मालूम है, पी ए बी इसका वैल्यू 60 डिग्री मालूम है, कितना डिग्री मालूम है 60 डिग्री मालूम है। और ए पी बी को हम क्या लिख सकते बाबू, ए पी बी को हाफ ऑफ एंगल बी लिख सकते हैं, ए पी बी कहां है यहां पे गिवन में लिखे होंगे, ए पी बी ए बी पी ए बी पी को हाफ ऑफ एंगल बी लिख सकते हैं, लिख देते हैं हाफ ऑफ एंगल बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री। एक बात बताओ ये वाला का वैल्यू हम कैसे निकालें, देखो हम जानते जब किसी पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होता है, यानी ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो भाई कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल से, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल से। अब एक बात बताओ एंगल ए का वैल्यू हमको दिया हुआ है बाबू, एंगल ए का वैल्यू जो है वो 60 डिग्री दिया हुआ था ना, 30 लिखा है ये 60 डिग्री दिया हुआ है, तो 60 प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 प्लस 60 तो माइनस 60, तो एंगल बी इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल बी का वैल्यू कितना निकल गया 120 डिग्री, बी के जगह पे ये वैल्यू डाल देते हैं 60 प्लस हाफ ऑफ एंगल बी, तो एंगल बी का वैल्यू कितना है 120, तो 120 का हाफ कितना होगा 60 डिग्री प्लस ये 30 डिग्री था, ये 30 डिग्री था ना, एपी पी ए बी कितना था, पी ए बी पूरा 60 है तो ये तो 30 ना होगा, तो ये 30 हो गया, 30 प्लस 60 प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू कितना 180 डिग्री, तो ये 60 प्लस 30 कितना होगा 90 प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू कितना 180 डिग्री, तो एंगल ए पी बी इक्वल टू कितना होगा बाबू 180, अब प्लस 90 इधर जाएगा तो माइनस 90 क्या हो जाएगा, एंगल ए पी बी इक्वल टू हो जाएगा 180 में से 90 जाएगा कितना बचेगा 90 डिग्री, प्रूफ हो गया कि APB 90 डिग्री होगा, APB APB इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूफ हो गया, यानी पहला वाला आपका प्रूफ हम कर दिए। हम क्या किए, हम जानते हैं कि जब किसी पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो एक ही ओर के इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी ये एंगल और ये एंगल का सम होगा 180 डिग्री, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए का वैल्यू पूरा दिया हुआ था 60 तो 60 लिख दिया, एंगल बी को उसी तरह 180 को उसी तरह, एंगल बी बराबर 180 प्लस 60 दे गया तो माइनस 60 तो 120 हो गया, एंगल बी का वैल्यू कितना हो गया 120 डिग्री। और हम उससे पहले हम क्या किए कि ये ट्रायंगल में लिए, किस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल एपीबी में, एपीबी में ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, और पीएबी पीएबी ये एंगल कितना होगा, पूरा एंगल है 60 और ये दो इक्वल पार्ट में बटा हुआ है तो ये 30 हो जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है कि एपीबीएपी या एपीबी पीएबी लिखो या बीएपी लिखो, ये कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख दिए, और बी का वैल्यू निकाल ले हैं 120, तो 120 का हाफ कितना होगा 60 और ये उसी तो उत्तर क्या 180, 60 प्लस 30 90 प्लस एपीबी इक्वल टू 180, एपीबी इक्वल टू 180 और प्लस 90 दे जाएगा तो माइनस 90, तो ए पी बी इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 90 डिग्री, यानी ये हमको प्रूफ हो गया वन का। अब हम आते हैं सेकंड को प्रूफ करने के लिए, सेकंड को प्रूफ करते हैं, हमको क्या प्रूफ करना है कि एडी और डीपी बराबर होगा, ये और ये आपस में बराबर होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा
एक बात बताओ बाबू, ये तुम्हारा कितना डिग्री है? 30 डिग्री। और जब किसी पहले लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती तो ये 30, तो ये भी 30 होगा। अब बताओ ये 30 के सामने का साइड ये और ये इसके सामने का साइड ये बराबर होगा। लिखते हैं एंगल, एंगल बी ए पी, बी ए पी इक्वल होगा किसके? एंगल ए डी पी के, ए डी ए पी डी के, ए पी डी के किस रूल से? बाई अल्टरनेटिंग एंगल से, अल्टरनेटिंग एंगल से। हम इस फिगर को फिर से एक बार अच्छे से लिख देते हैं तो अच्छा दिखने में लगेगा कि हाँ चिकन वाले का क्या किए हम। ए बी सी डी, इसका बाइसेक्टर पी और इसका बाइसेक्टर बी पी पॉइंट पे मिला। ये दोनों आपस में बराबर है और ये पूरा 60 है तो ये 30 होगा, ये भी 30 होगा, ठीक है। और ये कितना आया है? 60 आया होगा, इसलिए कि ये कितना आया था? 120 आया था ना, पहले जो प्रूफ किए हैं तो 120 आया था ना बी का वैल्यू, तो ये 60 तब ना 120 होगा। अब एक बात बताओ, जब किसी पैरेलल लाइन को ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेटिंग एंगल से बराबर होगा, तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा। हाँ, ये हो गया एंगल बी ए, एंगल जिसका वैल्यू 30 डिग्री इक्वल टू एंगल ए पी डी, ए पी डी का वैल्यू निकल गया 30 डिग्री। तो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी बी में, ए डी पी में कौन कौन एंगल बराबर हो गया? एंगल ए और एंगल पी बराबर हो गया, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू 30 डिग्री। जब ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गया तो इसके सामने का साइड ये, इसके सामने का साइड ये बराबर हो जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा? AD इक्वल टू DP, ये बराबर हो गया। बराबर एंगल के सामने का साइड भी क्या होता है? बराबर होता है, ये दोनों आपस में बराबर हो गया। दूसरा हमको इसी में ये भी प्रूव करना था कि PB इक्वल टू PC इक्वल टू BC, ये भी बराबर हो गया। बताओ बाबू, ये 60 हो गया, ये पहले बताओ कि ये पूरा कितना डिग्री है? 60 डिग्री है ना, पहले 30 प्लस 30 60, और पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल भी बराबर होता है, तो ये एंगल और ये एंगल पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल बराबर होगा, तो ये 60 तो ये भी 60 हो जाएगा। पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है ना, तो ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। और एक बात बताओ बाबू, जब किसी पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा 60। और एक बात बताओ, ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होने की वजह से ये सब साइड आपस में बराबर हो जाएगा। AB यानी क्या हो गया? BP इक्वल टू PC इक्वल टू BC, तीनों एंगल बराबर है इसलिए तीनों साइड बराबर होगा, तो ये प्रूफ हो गया। और दूसरा, क्योंकि ये बता बोल रहा है कि ये और ये आपस में बराबर है, ये हम सेकंड वाला प्रूफ कर लिए, लिखेंगे यहां पे ये तो हो गया, सेकंड वाले का ये भी करना है, ठीक है। एंगल ABP, ए बी पी इक्वल होगा, टाइम खत्म हो गया, नेक्स्ट डे इसको बताएंगे। ये समझ में आ गया ना बाबू कि कैसे इक्वल हुआ? नेक्स्ट डे ये क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं, ओके बाय।